आपका लखनऊ। और बड़ी अपडेट इस बीच, जहां यूपी आ रहा है माफिया अतीक अहमद को यूपी लाया जा रहा है। पुलिस की 45 सदस्य टीम निगरानी कर रही है। कैदी वैन से अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक की कैदी वैन के साथ 6 गाड़ियां चल रही हैं। 6-6 घंटे पर गाड़ियों के ड्राइवर बदल जा रहे हैं। हर गाड़ी में 3-3 ड्राइवर सफर कर रहे हैं। यूपी की सीमा में दाखिल हुआ है अतीक अहमद का काफिला। झांसी जिले से अतीक का काफिला आगे बढ़ चला है। और इसी के साथ ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिफ्ट किया जाना है अतीक अहमद को कल, क्योंकि मामले की सुनवाई है। उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई है एमपी एमएलए कोर्ट में, और इसके लिए अतीक अहमद को लाया जा रहा है सड़क मार्ग से। और लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर भी ये बड़ी महाकवरेज, जहां पर लगातार इस काफिले के साथ जो तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अयाज खान। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अयाज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, किस तरीके से अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में भी प्रवेश कर चुका है, और प्रशासन की जो पूरी व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। क्या कुछ अपडेट है मौके से? की बात करें, बरेली में अतीक का भाई इसमें पिछले 2 साल से बंद था, आज उसे प्रयागराज ले जाया जा रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ लगभग 6 गाड़ियाँ से सुरक्षा व्यवस्था में थी, भारी पुलिस फोर्स व्यवस्था का इंतजाम उसके किया गया। यहाँ से प्रयागराज का 8 घंटे का सफर होगा, तो इसको लेकर के उसकी हाईकोर्ट से एक आदेश लेकर के उसके 3 वकीलों का पैनल यहाँ पहुंचा था, निगरानी में रहेगा, वकील उसके साथ रहेंगे, उसके साथ जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है अयाज, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ धनवीर प्रजापति, कारागार मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनवीर जी, देखिए आज अतीक अहमद को लाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सीमा में वो प्रवेश कर चुका है, क्या पूरी व्यवस्था रहती है? किस तरीके से अतीक अहमद को लेकर जो डर है लोगों में, जिसके चलते सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अतीक अहमद के लिए, आज का भी और कल का भी, क्या कुछ फिलहाल आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 6 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में जो आतताइयों का डर रहता है उसको दूर करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जिस जनता ने दोबारा हमें सत्ता दी और जनता का धन की सुरक्षा, उनके मन की सुरक्षा, उनके तन की सुरक्षा, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, और माननीय मुख्यमंत्री इसका पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, योगी जी की सरकार है, न्यायपालिका का जैसा निर्देश होगा कल जो भी वो डिसीजन लेंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश में जेल में रखने की कहेंगे तो हम जेल में रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था हमारी रहेगी और हमने पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, देखिए कितनी लेयर सिक्योरिटी होती है, किस तरीके से प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि जो आम जनता है और जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आते हैं कि गाड़ी पलटाना इतना आसान नहीं होता है, ये सब कानून के तहत काम होता है, तो किस तरीके से आपका पूरा प्रोटोकॉल रहता है, अगर आसान भाषा में हम जनता को समझाना चाहे तो? देखिए, ये जो है ऐसा नहीं होता, सारी प्रक्रिया नियम कानून के तहत होती है। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस जी वहां से लेकर के आ रही है, वो भी नियम के अनुसार और कानून की व्यवस्था के अनुसार है, सभी कोई भी शासन प्रशासन नियम से विरुद्ध नहीं जा सकता, जो भी नियम की व्यवस्था है, नियम के अनुसार व्यवस्था है, उसके अनुसार सबको चलना होता है, कानून के अनुसार चलना होता है, न्यायपालिका के अनुसार चलना होता है, उसी का अनुपालन सरकार भी करती है और उसी का अनुपालन प्रशासन भी करता है। अब न्याय रही कल उनकी कोर्ट में पेशी है, तो जैसा न्यायालय का निर्देश होगा, हमने अपनी वहाँ नैनी में पूरी तैयारी कर रखी है, हमने वहाँ बात कर रखी है, पूरी व्यवस्था हमने बैरक तैयार रखी है, अगर न्यायपालिका का निर्देश होगा कि इनको यही उत्तर प्रदेश में रखा जाए, तो हम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने कल से अपने एक डीआईजी को भी वहाँ लगा दिया है, पूरी तैयारी हमारी है।
बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगे, देखिए किस तरीके से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी, क्योंकि ऐसे ये पूरा मामला है इस तरीके से होता है, इसको लेकर लास्ट मोमेंट पर भी कई ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो क्या उसके लिए पूरी तरीके से टीम्स तैयार रहती है, उसको इम्प्रोवाइज करा जाता है मौके पर? देखिए ये न्यायालय का निर्देश है कल की तारीख में पेशी पे लाने के लिए, पुलिस उसका, हमारी पुलिस उसका काम कर रही है, और जैसा निर्देश कल न्यायालय का होगा उसका भी अनुपालन होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मवीर जी। और देखिए साफ कर दिया है उन्होंने कि तैयारियां पूरी हैं, और जिस चीज का लगातार डर जताया जाता है कि गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन ऐसा कहना आसान है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल है, नियमों का पालन करते हुए लगातार यूपी सरकार जो है काम करती है, जो प्रशासन है वो काम करता है, और इसी के लिए देखिए चाक चौबंद व्यवस्था के साथ लाया जा रहा है। और लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं, अयाज खान हमारे संवाददाता बने हुए हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे बने हुए हैं, लखनऊ से एसके वाजपेयी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके देखिए किस तरीके से अतीक अहमद को लेकर जो लोगों में डर है, और खुद अतीक अहमद में जो डर है वो डर तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि योगी राज है और योगी राज में सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक लहजे में कहा था कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, अब आज का दिन और कल का दिन अतीक अहमद के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है उमेश पाल अपहरण मामले में। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार यूपी पुलिस जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में सरकारें रहीं, जो भी इसके पहले की सरकारें थीं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दी। यही एक वजह है कि चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी रहे हों या फिर अतीक अहमद, दोनों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, समय रहते होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। अब लगातार जो भी ऐसे मामले हैं जो अतीक अहमद पर दर्ज हैं या फिर मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, उन सभी की पूरी फहरिस्त निकाली गई है, पुलिस लगातार उनका पैरवी कर रही है और उन मामलों को लेकर तेजी के साथ पुलिस अपनी रिपोर्ट दाखिल कर रही है। यही एक वजह है कि अब लगातार कोर्ट, जितने भी कोर्ट में अलग अलग मामले चल रहे हैं उसमें तेजी के साथ सुनवाई हो रही है। पूरे मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने, चूंकि अतीक अहमद और साथ ही साथ उसके भाई अशरफ को यह अपहरण का मामला है, और यह अपहरण उमेश पाल का हुआ था, जिस दौरान उमेश पाल इस पूरे मामले को लेकर अपनी गवाही पूरी कर रहे थे, उस दौरान अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल का अपहरण किया था, और अपहरण के बाद उन पर दबाव बनाया गया था कि वो इस पूरे मामले की पैरवी से खुद को अलग कर लें, क्योंकि राजू पाल की हत्या में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। यही एक वजह है कि अतीक अहमद को पता था कि अगर उमेश पाल की गवाही होती है तो ऐसी स्थिति में उस पर आगे कानूनी शिकंजा कसेगा, इस वजह से उसने यह अपहरण किया था जिसमें उसका भाई अशरफ साथ ही साथ 8 अन्य लोग शामिल थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर 2007 में उमेश पाल की तरफ से अपने अपहरण, साथ ही साथ धमकाने और जबरन इस मुकदमे की पैरवी से अलग करने का मामला दर्ज कराया था, उस मामले को लेकर यह कोर्ट सुनवाई कर रही है। 28 तारीख को कोर्ट में फैसला आना है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई कर चुकी है, अब अंतिम तिथि है जिसमें अशरफ और साथ ही साथ जो अतीक अहमद है उसको पेश करेगी पुलिस। चूंकि आज यूपी पुलिस अतीक अहमद को जहां साबरमती जेल गुजरात से लेकर यूपी पहुंची है, वहीं अशरफ जो किसका भाई बरेली जेल में बंद है उसको लेकर भी प्रयागराज जा रही है। और सीधे तौर पर अगर हम इन कुल आरोपियों की बात करें तो उसमें से एक आरोपी ऐसा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बाकी के सभी आरोपी जीवित हैं, तो उन पर यह कार्रवाई होनी है जिसको लेकर पुलिस को जो भी जहां जिस जेल में बंद है उनको कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि अभी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि 28 तारीख की सुनवाई में ये सभी आरोपी जो कि इस मामले में आरोपी हैं वो इस यहां पर मौजूद रहे ताकि कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ा सके। तो सीधे तौर पर यही एक वजह है कि साबरमती जेल से जहां अतीक अहमद को लाया गया है, बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को, इंतजार किया जा रहा है इसके सजा क्या होती है, इसका इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, सूरज जुड़े हुए हैं कानपुर से। सूरज क्या कुछ अपडेट है रूट को लेकर? अब अतीक अहमद का जो पुलिस प्रशासन उसको लेकर वहां पर पहुंच गई है, और उसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि अतीक अहमद जो है वह झांसी से निकलने के बाद इटावा होते हुए जसवंत नगर होते हुए ये कानपुर का जो नेशनल NH2 हाईवे है उसी से होकर उसका एक काफिला गुजरेगा। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरा एक रास्ता और है जो कि झांसी और बुंदेलखंड हाईवे से होकर गुजरता है, पुलिस प्रशासन उसे उधर से भी ले जा सकती है। ऐसे में कानपुर की बात करें तो कानपुर का हम देखिए इस समय NH2 नेशनल हाईवे पर मौजूद है, इसी के हमारे ऊपर देखिए NH2 नेशनल हाईवे है, इसी के ऊपर से माफिया डर अतीक अहमद को लेकर जाया जाए।
जाएगा। आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक अहमद का कानपुर से भी नाता रहा है, क्योंकि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ऐसे में अतीक अहमद कानपुर की कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आया था और तकरीबन 800 गाड़ियों से उसका काफिला आया था। और उसके बाद जब अतीक अहमद को यहाँ से चुनाव में टिकट नहीं मिला तो यहाँ से वापस चला गया। ऐसे में आपको बता दें कि आज दूसरी बार अतीक अहमद जो है वो कानपुर की धरती से गुजरेगा। और ऐसे में एक समय वो था जब अपने 800 गाड़ियों और असलाद आदि साथियों के साथ कानपुर में इलेक्शन लड़ने आया था, मगर आज पुलिस प्रशासन उसे पकड़कर प्रयागराज ले जाते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, और देखिए इसी के लिए लगातार इंतजार किया जा रहा है, आप भी वहां पर नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं विवेक पांडे, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रयागराज से। विवेक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रयागराज में क्या तैयारियां हैं? अतीक अहमद का काफिला उत्तर प्रदेश की सीमा में भी अब प्रवेश कर चुका है, किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है अतीक अहमद का, क्या तैयारियां वहां पर है? जी उन्नति, बिल्कुल जिस तरीके से कल शाम 5:45 पर साबरमती जेल से यूपी एसटीएफ की टीम लेकर अतीक अहमद को निकली है, और उत्तर प्रदेश में अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी उनको पुलिस लाइन में रखा जाएगा, जहां पर सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस के जवान जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी न होने पाए, कोई ऐसी घटना न होने पाए जिससे पुलिस के ऊपर कोई सवालिया निशान खड़ा हो। फिलहाल अतीक अहमद का काफिला झांसी पहुंचा है और झांसी से कुछ ही देर में प्रयागराज के लिए रवाना होगा, जो बुंदेलखंड होता हुआ सीधे प्रयागराज पहुंचेगा और 28 मार्च को उनकी यहां पर 11 बजे पेशी होगी। उस पेशी के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि जो सरकारी वकील है गुलाब चंद, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर है रमेश शर्मा को, 11 बजे से अतीक अहमद के एक अपहरण के मामले में जो उमेश वाला हत्याकांड हुआ था, उसके पहले जो उनका अपहरण हुआ था, उस मामले में उनकी यहाँ पर पेशी होनी है और कचहरी परिसर को भारी सुरक्षा बल की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र में उन्होंने यह अनुरोध किया था पुलिस कमिश्नर से कि हमको भारी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए, जो सुबह 10 बजे से जब तक पेशी चलती है तब तक यहाँ पर मुहैया रहे। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि अतीक अहमद का एक गढ़ रहा है संगम नगरी का, प्रयागराज का जो करेली इलाका है, उनके उन जिस इलाकों में उनका बाहुल्य वाला क्षेत्र है, उस इलाके में भी जो जांच एजेंसियां हैं सक्रिय हैं, एलआईयू की टीम वहां पर लगी हुई है, कि सब सारी तरह की इनपुट्स की जानकारी पल पल की इकट्ठा की जा रही है। तो पुलिस की अगर व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और जल्दी शाम तक अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाकर पुलिस लाइन में रखा जाएगा, जहां पर 28 मार्च के बाद सुबह 11 बजे उनकी पेशी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है कि कोई भी अनहोनी ना हो। ठीक है विवेक, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। अयाज देखिए, क्योंकि उनके जो भाई हैं अतीक अहमद के अशरफ, उसको भी उनको लेकर भी सुनवाई है, और ऐसे भी उसकी क्या तैयारी है, प्रशासन उनको लेकर किस तरीके से तत्पर है? हालांकि ये पूरा गोपनीय रखा गया है, लेकिन कुछ अपडेट मिल पा रही है? यहाँ से पिछले 2 साल से जेल में बंद था, यहाँ पे लेकर के पुलिस वहाँ प्रयागराज के लिए निकल चुकी है, कुछ देर पहले यहाँ से निकली है। उसके साथ 6 गाड़ियों का काफिला है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच का पैनल यहाँ पहुंचा था, जिसमें उनकी हाईकोर्ट के एक आदेश के लिए पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ से हम सुरक्षा व्यवस्था को देखना है। अतीक से अतीक वहाँ से गुजरात से पहुंचा है, यहाँ से अक्सर प्रयागराज बरेली से पहुंचा है, तो बरेली के वहां तक के हम मैनेज कुर्सी बोर्ड से यहाँ खड़े हैं। इधर ही होते अध्यक्ष का काफिला निकला था और कुछ ही देर पहले निकला है, यहाँ से 8 से 10 घंटे का सफर होगा, जिसमें अध्यक्ष को तय करना होगा प्रयागराज के लिए। आज और कल का अहम अध्यक्ष और अधिक के लिए अहम बहुत दिन रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके लेकर के पुलिस व्यवस्था कुछ तरीके से क्या सभा थी यहाँ पे पहले से थी, और उसको बड़ी कल से ही उस मीटिंग में चल रही थी अधिकारियों की, आने लेने से यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाएगा था, तो कहीं ना कहीं हमने तुरंत अपडेट कराया था उसको लेकर के। अब भी लगातार पुलिस के व्यवस्था में जो भी है सुरक्षा व्यवस्था उसको देखते चाक चौबंद लगी हुई है, यहाँ से वो निकल चुका है। अब भी देखना होगा कब तक पहुंच पाता है, कब तक वहाँ हद रो पाता है, अब ये आगे की बात है। फिलहाल बरेली से यहाँ से निकल चुका है अध्यक्ष का काफिला। बिल्कुल एसके, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि कहीं ना कहीं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अब उसको लेकर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बड़े सवाल उमेश पाल हत्याकांड से भी जुड़े हुए, इस पूरे सवाल में अतीक अहमद से जुड़े हुए वो भी अभी बाकी हैं सुलझने, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो जाँच है वो आगे बढ़ेगी, जब अतीक अहमद पर पूरे उमेश पाल अपहरण मामले के बाद जब सुनवाई हो जाएगी उसको लेकर।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, चूंकि 5 ऐसे आरोपी हैं जो शूटर्स थे और इस पूरे एनकाउंटर में शामिल थे, वो अभी तक लापता हैं और उनको अभी तक पुलिस खोज नहीं सकी है, क्योंकि लगातार ये चीजें पुलिस की जांच में निकलकर सामने आई थी कि अतीक अहमद साबरमती जेल से, साथ ही साथ उसका भाई अशरफ बरेली जेल से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उन शूटर्स को गाइड कर रहा था, उनके साथ मीटिंग में व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ा रहता था। तो अब जब अतीक अहमद और अशरफ दोनों कहीं ना कहीं पुलिस के सामने होंगे, क्योंकि अतीक से सीधे पुलिस की पूछताछ अभी तक नहीं हो सकी है क्योंकि वो साबरमती जेल में था, चूंकि आज उसको लेकर यूपी पुलिस पहुंच चुकी है। अब जब कोर्ट में पेशी से पहले और साथ ही साथ पेशी के बाद पुलिस की कोशिश होगी कि उससे पूछताछ हो और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जानने की कोशिश हो कि क्या निर्देश उसकी तरफ से उन शूटर्स को दिए गए थे जो शूटर्स प्रयागराज में इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, उस दौरान क्या क्या चीजें उनको दिशा निर्देश दी गई थी, मतलब कि जब ये घटना कर देंगे तो उसके बाद वो कहां जाएंगे, कौन उनको शरण देगा, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। निश्चित है कि इन सारी चीजों का इंतजाम अशरफ और अतीक ने ही किया होगा, तो कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर भी पुलिस उससे पूछताछ करेगी। तो एक चीज तो निश्चित है कि जब पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी निकलकर सामने आएंगी कि पुलिस की कार्रवाई आगे किस दिशा में बढ़ती है, क्योंकि पुलिस के सामने कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है जब 5 के 5 जो शूटर्स हैं वो पुलिस की फिलहाल पकड़ से दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अशरफ और अतीक दोनों से पूछताछ होगी तो उम्मीद है कि पुलिस की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, और ये दोनों ही पूरे जो मामले हैं वो किस तरीके से सुलझते हैं इसी का इंतजार किया जा रहा है। विवेक, अगर बात करें अतीक अहमद के रसूख की, तो देखिए किस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया है, इसको लेकर पुलिस हालांकि सक्रिय है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जो उसके गुर्गे हैं वो अभी भी, जो शूटर्स हैं वो पकड़ से दूर है, उसको लेकर किस तरीके से तत्पर है पुलिस, किस तरीके से छापेमारी चल रही है और दबिश दी जा रही है उन शूटर्स के लिए। जी उन्नति, बिल्कुल जिस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल हत्याकांड होता है, निश्चित तौर पर किसी न किसी तरीके से एकदम फिल्मी स्टाइल में ये दिन दहाड़े प्रयागराज का जो धूमनगंज इलाका है वहां पर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद से लगातार पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव है और पुलिस की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि इसके जो मुख्य शूटर है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनको भी पकड़ने के लिए, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हैं जो उत्तर प्रदेश समेत तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में वो उन प्रयास कर रही है इन शूटर्स को पकड़ने के लिए, चाहे वो असद हो, अतीक अहमद का लड़का, चाहे वो गुड्डू बम्बाज हो, इस तरीके से जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब अगर अतीक अहमद के रसूख की बात करें, 4 साल बाद अतीक अहमद को दोबारा प्रयागराज लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर प्रयागराज का जो चकिया इलाका है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अतीक अहमद का अच्छा खासा रसूख देखने को मिलता था। जब वो जेल में बैठकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिलवाता था, चाहे अतीक अहमद रहे हो चाहे उनका भाई अशरफ रहा हो, तो निश्चित तौर पर जब वो बाहर थे तो उनकी यहाँ पर तूती बोलती थी, लोग यहाँ पर डरते थे और उसका पूरी तरीके से जो भी किसी को अगर रंगदारी मांगने का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो तो लोग उसको पूरा करते थे। फिलहाल अब स्थिति विपरीत है, स्थिति बदल गई है, अब उनको यहाँ पर ले आया जा रहा है, उनसे पूछताछ चलेगी। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब से अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ का नाम इस पूरे मामले से जुड़ा है, पुलिस के पास कई ऐसे सवालात हैं जो अतीक अहमद से पूछने हैं। अब जब 11 बजे 28 मार्च को इस पूरे अपहरण केस का जो फैसला है, इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी सवालों के जवाब लेने हैं। इसी के साथ बढ़ते आगे, माफिया अतीक अहमद के गुजरात जेल से प्रयागराज लाए जाने पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल को मारा गया है उसकी भी ऐसी हालत हो, उसका भी परिवार बिखर जाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ न्याय करें और यह भी मांग की है कि अतीक अहमद से भी उसके जीने का हक छीन लिया जाए। उन्हें कड़ी दंड दिया जाए और उनके जीने का हक बिल्कुल छीन लिया जाए। वो जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। जब तुम मारने में पीछे नहीं रहो, हम तुमको मरवाएं तो क्या दिक्कत है? इसका जो ये कार्य इसने किया है तो इसका हक कौन जिम्मेदार है? वो खुद है ना, उसका ही दिया हुआ। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ बिगाड़ा था या मेरे आदमी ने बिगाड़ा था? कलम से लड़ रहा था, तुम भी कलम से लड़ते। और इस तरह से करके तुमको डर लग रहा है तो भगवान करे तुमको उसी तरह के तुम काँप के मरो, मेरी बद्दुआ लगे तुमको। अच्छा है, भगवान करे उस तरह हो कि तुम्हारा खात्मा हो, तुम्हारा पूरा घर परिवार सर्वनाश हो जाए। मुझे बाबा जी पे भरोसा है कि वो मुझे न्याय दिलाए।